नवाज भाई अभी तक नहीं आए, बारात बस आने ही वाली है। अब्बा चचा दिलदार के साथ गए पैसों का बंदोबस्त करने के लिए, आप फिक्र ना करें, वो बस आते ही होंगे। ठेकेदार इतना अच्छा कब होता है, वो किसी को कर्जा देता ही कहाँ है। अगर इतना अच्छा होता तो कर्जा लेने की जरूरत ही क्या थी। और वो उसका जो मुंशी है ना दिलदार, वो तमाम औरतों पर नजर रखता है अपने ठेकेदार के लिए। इस खाला आप दुआ करें कि पैसों का बंदोबस्त हो जाए। खाला सलाह करें कि सब कुछ ठीक ठाक हो जाए। बस बेटा ठीक है, मैं जाकर देखती हूँ, शायद आ गए हूँ। जी ठीक है, ख्याल रखना अपना। सारी जिंदगी आपकी खिदमत की है, दिन रात एक कर जो आप हुक्म करते रहे मैं वो बजा लेता रहा। मेरी बेटी की शादी है, मैं आपके पास मदद की। अगर मेरी मदद आपने ना की तो उसकी बरात वापस चली जाएगी। मेरी लाज आपके हाथ में। सरकार इसे यहां ना लाता तो ये घर पे मिन्नतें कर करके ही मर जाता। दिमाग खराब कर दिया इसने मेरा। 2 लाख रुपया चाहिए इसे, इसकी बेटी की आज बारात है। तूने कभी बताया नहीं कि इसकी बेटी जवान हो गई है। सरकार इसने झटपट से रिश्ता पक्का कर दिया, वरना मेरा इरादा तो था कि मुझ गरीब पर रहम करें हुजूर। मेरी एक ही बेटी है और उसकी आज शादी है। हाँ तो इतनी जल्दी क्या थी तुझे, जब पैसा आता तब कर लेता ना शादी। बेटी सियाणी हो गई थी माई बाप, बेटी तो मेरी है मगर ऐसी जैसे गुदड़ी में लाल। सरकार भला की खूबसूरत लेकिन है सिरफिरी। मैंने अपनी औकात से वध के उसको पढ़ाया लिखाया, उसकी मां बेशतन ने उसको छीनना परोना किदाकारी आंडी रोटी सारे काम सिखाए हैं माई बाप। अल्लाह माफ करे सरकार, बड़ी मुंह फट रही है। पहले पता होता तो हम ही भेज देते तेरे घर बारात। अच्छा लड़कियों अब ये नाच गाना बंद करो, बारात दरवाजे पर आ गई, चलो जाओ जाकर देखो। बारात आ गई है। हाँ कृपा जमाला है तो अल्लाह सब ठीक करेगा बेटा, मैं परेशान हूँ।
माई बाप, आप बड़े लोग हैं, हम गरीब तो आपके टुकड़ों पर पलने वाले हैं। भला आपका हमारा क्या संयोग? कोई संयोग नहीं, रोग रोग। वो जो हुस्न को इश्क से लग जाता है, समझे कि नहीं? सुनो ए बाबे, चांद जब चढ़ता है ना, सारी दुनिया उसकी रोशनी देखती है। तूने अपनी चांदनी को घर में छुपा के रखा था। हर कोई कहां चांद को पाता है। हमारे जैसे गरीब की बेटी अगर जरा भी मोहचित लगती हो तो लोग उसे सांझ की हांडी समझ लेते। माई बाप, मुझ में अब ताकत नहीं है अपनी बच्ची की हिफाजत की, सो मैंने सोचा कि उसका फर्ज अदा करके मैं फारग हो गया। सरकार, आज मेरी लाज आप दोनों के हाथ में है। अच्छा अच्छा, ये बता के गिरवी रखने के लिए क्या है तेरे पास? भाई बाप, मेरे पास तो इस जान के सिवा और कुछ भी नहीं। आप मेरी जिंदगी पर ये आसान कर दे, मैं ये जान सारी जिंदगी के लिए आपके पैरों में गुलाम कर दे। ये जान तो तेरे पास बची नहीं है, तो अब गिरवी क्या रखवाएगा? मेरा एक छोटा सा घर था, उसके कागजात भी मुंशी साहब के पास है। वो जी, इसने मकान के बदले में मुझसे पैसे लिए थे। इसकी बीवी बीमार थी, कैंसर था उसको, लेकिन बची फिर भी नहीं बेचारी। मुझ पर रहम खाएं सरकार, मेरी बेटी अपने घर की हो जाए तो मैं जिंदगी भर के लिए आपका गुलाम हो जाऊंगा। देख, अगर तू कर्ज ना लौटा सका ना, तो तुम्हारी इज्जत हमारी होगी। आई बात समझ में? जी जी भाई, बा वैसे आपका हुक्म। मुंशी, भला हो आपका। अल्लाह दो जानी भला करे आपका। बस वो नवाज भाई आते ही होंगे। ये लीजिए, ये लिस्ट मैंने जहेज की तैयार कर दी, सब चीजें इसमें लिखी हुई है। अच्छा अच्छा, ठीक है। वो 2 लाख रुपए जो देने थे, बस वो नवाज भाई इंतजाम करने गए हैं। देर सवेर तो हो जाती है बहन जी, आप फिक्र नहीं करें, अभी आ जाते हैं, आपको मिल जाएंगे। लेकिन हया के अबू ने मुझसे वादा किया था कि वो आते ही सलामी के 2 लाख रुपए उसी वक्त दे देंगे, फिर इंतजाम क्यों नहीं हुआ अभी तक? हाँ, ला रहे हैं, आपको मिलेंगे, आप फिक्र मत करें, अभी आ रहे हैं। मैं देखती हूँ। हाँ हाँ ठीक है। इतनी पढ़ चढ़ के बातें करते थे, जब 2 लाख सलामी के देने आए तो मुंह छुपाकर बैठ गए। इससे ज्यादा तो मैंने जंग में लुटा दिए हैं।
फिर निकाह शुरू किया जाए। मौलवी साहब, ऐसे कैसे निकाह शुरू किया जाए? जब तक इस्लामी की 2 लाख की रकम नहीं मिलेगी तो निकाह नहीं हो सकता। खाला, इन्हें समझाइए ना, और सब थोड़ी देर में आ जाएगा। देखिए बहन, नवाजुद्दीन पैसों का बंदोबस्त करने गया है, अभी आता ही होगा। बस बस, रहने ही दो, आ गया वो और होगी शादी। नहीं, मुझे नहीं करनी ये शादी, मुंह छुपाकर बैठ गया होगा कहीं। अम्मा, मैंने तो आपको पहले मना किया था, इन भीख मांगे लोगों में ना करें भैया की शादी। आपको शौक चढ़ा हुआ था पढ़ी लिखी बहू लाने का। ओफो बाजी, तुम तो चुप करो, मेरी शादी रुकवाओगी क्या? तुम्हें बड़ा शौक है शादी करने का, खबरदार जो मेरी मर्जी के बगैर जरा सा भी हिला दो। सही तो कह रही है तेरी बहन, सलामी के पैसे है नहीं इनके पास, मैं क्या करूंगी इनकी डिग्रियां घर ले जाकर? गरीबों से रिश्ता जोड़ना तो गाली खाने के बराबर है इस दौर में, और वो भी ऐसे बच्चे के साथ जिसकी कमाई दुबई से आती हो। पढ़ा लिखा मेरा बच्चा, और इसके साथ में शादी कर दूं जिनके पास टका पैसा भी नहीं। बहन, हमने जहेज की हर चीज तो दी है, किसी चीज की कमी नहीं छोड़ी, और लिस्ट भी आपको दी हमने। पड़ोसन हो ना तो पड़ोसन ही रहो, इतना बोलने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें क्यों तकलीफ हो रही है? तुम्हारी बेटी है क्या? हमने नहीं करनी बेटा शादी, चलो घर चले। मगर अम्मा। अगर मगर कुछ नहीं बेटा, मैंने जो कह दिया सो कह दिया, और इन भूखे नंगे फकीरों के साथ कौन करेगा शादी? ये तुम सोचो जरा, 2 लाख का वादा करके टाइम पे जाके चुप के बैठ गया इसका बाप। पढ़ा लिखा बच्चा है मेरा, इंटर पास, कहीं भी किसी भी लड़की के साथ शादी हो जाएगी उसकी। हमने नहीं करनी यहाँ पे शादी। बाबा जी, वो बाइक वाले को क्या? वो मैं बाइक वाले को बचा रहा था, उसको बचाते उठे। वो बाइक वाले को बचा रहा था मैं, लगी तो नहीं आपको? आप ठीक हैं? हाँ, मैं आपको अस्पताल ले जाता हूँ। चले आई आई आई, वो बाइक वाला, वो उसकी गलती है, मैं उसको, आप आए। दरवाजा क्यों नहीं खोल? एक मिनट, मैं लॉक खोल के आता हूँ। एक मिनट, ये रुकिएगा, आइएगा मत, ये चला रहा है। एक मिनट, देखिए हाथ हाथ रख के ऊपर। आप बैठे, मैं आपको अस्पताल लेके जाता हूँ अभी। बैठे, आपको लगी तो नहीं? खून भी है। मैं बाइक वाले को बचा रहा था। बहन, मेरी बात सुनो। क्या बात सुनू? अब कौन सी बात रह गई सुनने की? बहन, बच्ची की जिंदगी खराब हो जाएगी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, थोड़ी देर सब्र कर लें, नवाजुद्दीन आता ही होगा। हाँ बहन, थोड़ा सा इंतजार कर लें, अभी आ जाते हैं भाई। बस बस, बहुत हो गई, इज्जतदार होते तो अपनी इज्जत का ख्याल करते। 2 लाख रुपए का तो इनसे इंतजाम नहीं हुआ, और इन्होंने करना क्या है? रात होने वाली हो गई पर इनसे इंतजाम ना हो सका। अरे, 2 कौड़ी की इज्जत नहीं है इसकी और इसके बाप की। बस बहुत बोल लिया आपने, ये इससे कराने लगे थे अब्बा मेरी शादी, जिसकी माँ आप है। अम्मा, मैं क्या मैं हाँ? हा? इसे तो अच्छे से बकरा मंडी में ले जाके नलाम कर दे, अच्छी कीमत मिलेगी, बेचना है फिर अपने बेटे को। ले जा अपने राज दुलारे को, और ये लो अपने नकली जेवरात, मुझे नहीं चाहिए, पकड़ो, कहीं और जाके तमाशा करो, बांधो इसे किसी और के कूटे से।
और कह तो ऐसे रही हो जैसे तेरे अब्बा ने सोने की ईंटें बना के दी है हमें। एक एक चीज दी है मेरे अब्बा ने। ये जो कपड़े आप लोगों ने पहन रखे हैं ना, ये भी मेरे बाप ने दिए। बस चलता तो अभी उतरवा देती मैं। पैसा आपने मांगा, जहेज आपने मांगा, भिखारी आप है हम नहीं। ध्यान से बेटा, ध्यान से, ध्यान। ओ, 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 मैं सही हूँ, ये देखें, बिल्कुल सही हूँ मैं। तुम नशे में तो नहीं? नहीं नहीं, नशे में नहीं हूँ मैं। वो दरअसल न्यू ईयर नाइट थी ना बाबा, वो तो दोस्तों के साथ शुगल मिला, तो तीन चार बस, ज्यादा नहीं। ध्यान से बेटा, ध्यान से। ये जहर क्यों पीते हो बेटा? जहर मरने के लिए थोड़ा और जिंदा रहने के लिए बहुत ज्यादा पीना पड़ता है बाबा। समटाइम्स इट्स इम्पोर्टेंट, जरूरी है। ना बच्चे ना, ये अच्छी चीज नहीं है। ध्यान से बेटा, ध्यान से, ध्यान से मेरा पुत्र। पुत्र मेरी बेटी की आज बरात है, अगर जल्दी पहुंचा दोगे तो तुम्हारी मेहरबानी होगी। नहीं नहीं, बस पहुंच रहे, बस। अगर मैं देर से पहुंचा तो बरात वापस चली। सलामी के पैसे मेरे पास है ना। डर तो नहीं हो रहा ना आपको? रात हो गई और इसका बाप अभी तक नहीं आया। वो जरूर कहीं छुप गया है। मैं तो सिर्फ इसलिए रुक गई थी, 2 लाख रुपए मिल गए तो मैं अपने बड़े बेटे को जेल से छुड़ा लूंगी। लेकिन मेरी अब उम्मीद खत्म हो गई है। बस भी बस, बहुत हो गए। देखो बहन। देखो देखो कुछ नहीं, बहुत हो गया इंतजार। अब हम यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुक सकते। सुबह से रात हो गई, पता नहीं वो कहाँ चला गया बंदा। और ये जो गस भर की जुबान चला रही है, बड़ी मुश्किल से मैंने बर्दाश्त किया है। क्या सिखाया तुम्हें तुम्हारी तालीम ने? ये सिखाया तुमने अपनी किताबों से? ये पढ़ी लिखी हो तुम? हाँ, किताबों में पढ़ा है मैंने कि लालच एक बुरी बला और जहेज लानत। ओए होए, बड़ी आई तू पढ़ाकू। ए खबरदार, अगर मैं एक लफ्ज भी बोला तो तुमने। खुद तो अपना घर बर्बाद करके पिछले 5 साल से अपनी माँ के घर पे बैठी हुई हो। पानी तक तोड़ के पिया नहीं जाता तुमसे। सारा काम अपनी भाभियों से करवाती हो। हदराम। ए खबरदार, खबरदार, जो तूने मेरी बेटी को एक लफ्ज भी कहा तो तूने मेरी मासूम सी बेटी के ऊपर इल्जाम लगाया और तुझे तो मैं नहीं। ऐसे लड़कियों पे हाथ नहीं उठाते हैं, बल्कि लड़कियों को तो प्यार से, इज्जत से। इज्जत से छोड़ के आना चाहिए। और मुझे पता है मैंने क्या करना है और क्या नहीं करना। तू तू कौन होता है मुझे समझाने वाला? जान लोगी तो क्या करोगी आप? हाँ, जान भी लोगी तो मुझे नहीं लगता कि कोई फायदा होगा। कोई फायदा नहीं है, तू छोड़ो। ओए छोड़ मेरी माँ का हाथ, तू जानता नहीं है मुझे। तेरे जैसे को तो मैं 1 सेकंड में गायब करा दूं। अच्छा अच्छा, तो तुम मुझे गायब करोगे? करवाओगे तुम्हारे सामने खड़ा करवाओ, मुझे गायब सामने खड़ा तुम्हारे। करवाओ ना, करवाओ ना। कोई लो आ गया तुम्हारा खसम। ए गलत बात मत करो मेरे बारे में, वरना इनकी बेटी के बारे में ऐसा कुछ नहीं है। नाम देखो
भैया और करतूते बेहयाओं जैसी, हया नाम की तो कोई चीज ही नहीं है तेरे अंदर। कर लेना इसी से शादी, जा रहे हैं हम लोग, चलो। खुदा का वास्ता, मैं बेटी का बाप हूँ और वो मुझे घर तक छोड़ने के लिए आए हैं। अरे पुत्र तू चला जा, तेरी बड़ी मेहरबानी, तू मुझे घर तक छोड़ने के लिए आ गया। इसे क्यों भेज रहे हो? इसे तो तुम खुद अपने साथ लेकर आए हो हमें बेइज्जत करवाने के लिए। इसे बैठाओ अपने पास, खाना शाना खिलाओ, हम ही चले जाते हैं। चल बेटा। मगर अम्मी। अगर मगर कुछ नहीं, जो मैंने कहा है ना वही करो, चलो। देख बहन, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ। मेरी बच्ची की अगर बारात वापस चली गई, मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगा। मैं तेरे पैरों को हाथ लगाता हूँ, माफ कर दे मुझे, माफ कर दे मुझे, बारात वापस ना लेकर जा। मैं तेरी हर शर्त मानने के लिए तैयार हूँ, तेरी ही शर्तें जो पूरी करने के लिए यहाँ पहुँचा हूँ। एक से बढ़कर एक रिश्ता आता था मेरे बेटे के लिए, वो तो मुझे तेरे इन सफेद बालों का ख्याल आ गया, जो तेरी इस बेटी को मैं अपनी बहू बनाने के लिए तैयार हो गई। देख लेना तुम, इन दीवारों के साथ सर टकरा टकरा के मर जाओगी। कोई नहीं अपनाएगा तुझे, कोई नहीं करेगा इसके साथ शादी, कोई नहीं इसको अपनाएगा, कोई भी नहीं अपनाएगा। मैं अपनाऊंगा इसे। बाबा मैं करूंगा तुम्हारी बेटी से शादी, जाओ करूंगा। ये करेगा शादी, इसी के काबिल थी, तेरे जैसियों इसी जैसों के साथ शादी कर, कर देना अपनी बेटी की शादी इसके साथ, इसी के काबिल है ये, हम शरीफ लोगों के काबिल नहीं। शरीफ देखे, शरीफ। चल बेटा, चले चल। पानी ले जाओ, शेख साहब आप दोनों मिलकर मेरी बच्ची को रुखसत करवा दें, मेरी जिंदगी पर बड़ा एहसान होगा। नवाजुद्दीन भाई, वो मेरी भी बेटी है, अल्लाह बेहतर करेगा, आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह आपका भला करे। बेटियों के कामों में अल्लाह खुद मदद करता है, अल्लाह बेहतर करेगा, अपना ख्याल रखो नवाजुद्दीन। अल्लाह भला करे, बस मेरी बच्ची को रुखसत करवा दे। बस अपना ख्याल रखो, मैं हूं ना। अल्लाह भला करे, अल्लाह भला करे। क्यों रोती है, क्यों रो रही है? ना रो बेटा, ठीक हो जाऊंगा मेरे बच्चे। बेटा,
बस तेरी रुखसती हो जाए तो सुबह तक मैं बिल्कुल ठीक हो मुझे किसी अच्छे घराने से लगते आप वाकई हमारी बेटी से शादी करेंगे? मैं करूंगा शादी, जब एक दफा बोल दिया करूंगा तो करूंगा ना। हया बिनते नवाजुद्दीन, आपका निकाह सालार वल्द मसूद के साथ बिलेवज 10 लाख रुपए सिक्का इराजुल वक्त पढ़ाया जाता है, क्या आपको कबूल है? कबूल है। तेरी तो किस्मत खुल गई है यार, लड़का ख्वाबों का शहजादा लगता है। क्या लड़का है यार, काश मुझे भी कोई ऐसा मिले। घड़ी देखी तूने उसकी, क्या चमक रही थी। और तो और बड़ी गाड़ी में आया है। मुझे ना कोई अमीर ज्यादा लग रहा था। वैसे कहाँ से लेके आए तेरे अब्बा उसे? मैं नहीं जानती कौन है कहाँ से आया। ज्यादा बनने की जरूरत नहीं है यार, तुम हो ही ऐसी कि कोई भी होश खो बैठे। वैसे उनकी चाल से लग रहा था कि पहली नजर में अपने होश खो बैठे हैं। कोई प्यार व्यार का चक्कर था? ये हुस्न और इश्क का मामला नहीं, वो मेरे लिए कचना भी है बस, इससे ज्यादा मैं नहीं जानती उसे। अरे बेटा, तेरे अब्बा होश में होते तो उन्हीं से पूछ लेते हम। लेकिन खाला, ऐसे कैसे कोई किसी के साथ आके निकाह कर सकता है, जरा सोचें। सोचना क्या है, कुदरत के फैसले कभी ऐसे भी हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि अल्लाह ने कोई फरिश्ता भेज दिया हमारी हया के लिए, वरना नगोर उसके बेटे ने तो हमारी इज्जत को खाक में मिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। बेटा, तुम्हें बहुत मुबारक हो। नवाज भाई, बच्चा आपसे मिलने आया है। क्या हाल है बाबा? अब ठीक है, डॉक्टर कह रहा था कि सुबह तक बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, खतरे की कोई बात नहीं। मैं चलता हूं। अरे कहां जा रहे हो बेटा? घर अपने। घर? तो बेटा अपनी दुल्हन को लेकर नहीं जाओगे तो
दुल्हन को कहाँ लेके जाऊंगा मतलब? हया तुम्हारी दुल्हन है, इसके साथ तुम्हारा निकाह हुआ है। हाँ वो तो हुआ है, लेकिन मैं 40 घंटे हो गए हैं मुझे, पूरी रात जागा हूँ, फिर पूरा दिन जागा हूँ, इनको अस्पताल ले गया हूँ, फिर मैं थक गया हूँ, मुझे जाना है। अरे बेटा यही रुक जाओ, तुम इस घर के दामाद हो, ये तुम्हारा ही घर है बेटा। दुल्हन उठो, मुझे नींद आ रही है। अब जाओ बेटा, इसे अपने कमरे में ले जाओ, ये अब तुम्हारा शौहर है। अब्बा को इस हालत में छोड़कर नहीं जा सकते। जाओ बेटा जाओ ना। अब्बा अब्बा जल्दी करें, मैं बहुत थक गया हूं। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। अल्लाह ने मेरी मुश्किल आसान कर दी है, अल्लाह से दुआ कर। जाओ बेटा जाओ जाओ, हम हैं तुम्हारे अब्बा के पास, तुम फिक्र मत करो, जाओ बेटा जाओ खैर से। अल्लाह तेरा शुक्र है। खूबसूरत हो यहाँ पर, आपने मुझसे शादी क्यों की? मैंने तुमसे शादी इसलिए की कि वो मैं दरअसल पता नहीं क्यों की, आई डोंट नो। खाला बिल्कुल ठीक बोलती है, आप मेरे लिए रहमत का फरिश्ता बनकर आए। घटिया हो तुम दोनों, शैतान हो तुम लोगों का बाप, मरते मरते तुम दोनों को मेरे लिए अजाब बनाकर छोड़ गया है। फरिश्ता नहीं हूं मैं, अजाब हूं मैं। अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो जाओ मेरी मां से, लेकिन नहीं मां नहीं है वो मेरी, मेरा बाप था ना, उसने उसे निकाह कर लिया, बस अब मां कहना पड़ता। अजाब हूं मैं, ऐसा ना कहे, हमारे यहां शोर को मचा से खुदा कहते हैं। मैं जिंदा हूं, मैं गई मैं मर मर तो नहीं गया, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो घर है ये घर नहीं, ये जगह जो है ये जन्नत है। और सुन मैं खूर हूं, बाल रूर जैसे बहुत ज्यादा खूबसूरत,
कौन है? ओ बाजी, अंदर से सामान उठाना था हमने। ठीक है। आ जाए, उठा ले अपना सामान। ये बिल है जी बकाया। कुछ पेमेंट तो आपके वाले साहब ने पहले ही कर दी थी, ये बकाया है, ये करवा दें। बाहर से देगे वगैरह तो हमने उठा ली है, कुछ सामान अंदर है वो कहें तो हम उठा लें। हाँ जी जी, उठा लें। और राशिद और लियाकत, जल्दी आओ, आजो आजो। या अल्लाह, पता नहीं कल अब्बा पैसे लाए या नहीं, हाथ में तो उनके कुछ भी नहीं था। ओ बाजी जरा जल्दी कर दे, टाइम बहुत शॉर्ट है। अब्बा, अब्बा वो डेकोरेशन वाला आया है, पैसे मांग रहा है। अब्बा अब्बा मुझे छोड़िए, नहीं जाने का अब्बा। अब्बा एक बना के खोलो ना, देखो ना मेरी मेरी मेहंदी लगी, आपके कितने अरमान थे मेरे हाथ में लेके चले गए। देखिए मेहंदी का कितना अच्छा रंग चला, अब्बा आंखें खोलो, खुदा का वास्ता है। अब आगे खोलो, छोड़ के नहीं जा सकते, ऐसे मैं क्या करूंगी। क्यों रही है? इसका बाप मर गया, नवाजुद्दीन अब इस दुनिया में नहीं रहा। रब ने उससे उसका ये भी सहारा छीन लिया। दे उससे तुम्हारा निकाह हुआ है।
कब? रात को। किससे? यहाँ से। तुम्हारी बीवी है ये। मुझे कुछ याद नहीं है। बीबी से इतना बड़ा सदमा मिला है, ऐसा ना करो बेटा। मुझे कुछ याद नहीं है। अरे बेटा, खुदा के लिए। ये क्या किया इसने? सारा कहाँ गई है? मुझे नहीं बता कर गई। मुझसे कौन सा पूछ के आती जाती है यहीं पर? तुम उसके भाई हो, तुम्हें पता होना चाहिए वो कहाँ गई है। कितनी दफा कहा है मैंने उससे कि वो लड़का ठीक नहीं है, समझाती क्यों नहीं आप उसे? वो किस किस के साथ घूमती फिरती है, आई डोंट केयर। व्हाट? मेरे बाप की दूसरी बीवी है आप। आपको बाबा इस घर में सिर्फ इसलिए लाए थे कि आप उनके बच्चों को देखें, संभाले। कहीं भूल तो नहीं गई आप? हाँ, गवर्नेंस थी ना आप हमारी। तुम मानो या ना मानो, अब मैं मिसेस मसूद आलम हूं, तुम्हारी दूसरी माँ। जानता हूं मेरी दूसरी माँ और मेरी माँ की सौतन। इसी गम की वजह से मेरी माँ ये दुनिया छोड़ के चली गई और इस गिल्ट की वजह से मेरे बाबा, और इस सब की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप हैं, समझी? लगता है अभी तक उतरी नहीं है रात की। हाँ, अभी बाकी है और इसी की कसर पूरी कर रहा हूं मैं। मेरी माँ की जगह कोई भी नहीं ले सकता, समझी आप? हाँ, आप तो बिल्कुल भी नहीं। तुम मानो या ना मानो, अब मैं मिसेस मसूद आलम, तुम्हारी दूसरी माँ। उससे तुम्हारा निकाह हुआ है, तुम्हारी बीवी है ये, तुम्हें कुछ याद नहीं, ये तुम कैसे कर सकते हो? वो तुम्हारी बीवी है। साथ तेरा छूटे ना मुझसे, खाई है मैंने कसम।
ये लो बेटा, तुमने कल से कुछ भी नहीं खाया, एक लुकमा खा लो बेटा। शाबाश। ये पैसे वो लड़का सालार दे गया, शायद उस रात का नजराना दे गया। अगर मेरी तो उनसे कोई बात ही नहीं हुई, बात हुई ना हुई, निकाह तो हुआ है ना, रात तो गुजारी है ना उसने तुम्हारे साथ, और सारे मोहल्ले को पता है कि तुम्हारा उसके साथ निकाह हुआ है, और सबने उसे सुबह तुम्हारे कमरे से बाहर निकलते हुए देखा है। अब वो कहता है कि उसे कुछ याद नहीं। बेटा पानी पियो, पानी पियो। क्या समझता है खुद को? अगर तवायफ भी होती ना तो एक रात की कीमत में उसकी जान ले लेती। पैसे अगर मैंने उसके मुंह पे नहीं मारे ना खाला, तो मेरा नाम भी हया फातिमा। अगर तुम उसे कहां ढूंढोगी, कहां मिलेगा वो तुम्हें? एक अजनबी, अनजान, ना कोई अता ना पता, पता नहीं कहां से उठा लाए तुम्हारे अब्बा से। जब नशा उतरा तो खाली बोतल की तरह तुम्हें ठोकर मार गया। कितना खूबसूरत घर है तुम्हारा। तुम्हें अच्छा लगा? बहुत अच्छा। वो पेंटिंग देखो। कितनी खूबसूरत पेंटिंग है। ये एक्चुअली मेरे बड़े भाई की पसंद की है। तुम्हें पेंटिंग्स का शौक है? हाँ। वाओ, कितना खूबसूरत चैंडेलियर है। इट्स ब्यूटीफुल। ये मेरे चॉइस की, ये मैं लाया था। बहुत प्यारा है। तुमने अभी मेरा बेडरूम नहीं देखा। चलो आओ तुम्हें बेडरूम दिखाता हूं। चलो। कैसा लगा मेरा बेडरूम? बहुत खूबसूरत। तुम जानते हो हमसा, मुझे मछलियां बहुत पसंद है। पानी में तैरती हुई, रंग बिरंगी। तुम्हें मछलियां बहुत पसंद है ना? कभी मछली को जाल में फंसते देखा है? मुझे लगता है अब हमें जाना चाहिए, रात हो गई। इतनी भी क्या जल्दी है? इतनी दूर आए हैं, रिलैक्स करते हैं, बातें करते हैं। हमजा, तुम मुझसे मोहब्बत करते हो ना, शादी क्यों नहीं कर लेते मुझसे? कैसी लड़की हो यार,
मैं रोमांस के मूड में हूँ और तुम शादी बीच में ले आई। शादी बीच में नहीं आई, बीच में तुम्हारा रोमांस आया। हाउ स्टूपिड यार, प्यार में ये सब कुछ तो होता ही है। और तुम भी तो मुझसे प्यार करती हो। हाँ करती हूँ मोहब्बत। तो फिर मेरी बाहों में आ जाओ। मैंने तुमसे सच्ची मोहब्बत की। सच्ची मोहब्बत सिर्फ किताबों में मिलती है मेरी जान। छोड़ो मुझे हमजा, छोड़ो मुझे। ये क्या बदतमीजी है हमजा, छोड़ो मुझे। ये पैसे वो लड़का सालार दे गया, शायद उस रात का नजराना दे गया। डेकोरेशन वाले को पैसे वापस देने हैं, क्या करूं, सबका कर्जा उतारना है, मगर पहले ये रुपए मैं सलार के मुंह पे मार के उसका कर्जा उतारूंगी। मगर मैं उसे ढूंढूंगी कहां, कैसे? हाँ हाँ नहीं, चलो मैं एक काम करती हूँ, मैं तुम्हें थोड़ी देर में दोबारा कॉल करती हूँ, ठीक है? खुदा हाफिज़। तुम सालार से मिलने आई? जी मुझे काम है उनसे। क्या नाम है तुम्हारा? हया फातिमा। कल रात उसके साथ गुजारी है तुमने? मेरा मतलब है घर से रात भर गायब था, सुबह है। वैसे अजीब लड़का है, अपनी मर्जी का मालिक, लड़कियों की कोई कमी नहीं है उसे, और तुम जैसी तो पता नहीं कितनी छोड़ी है उसे। शराब पी लेता है ना तो फिर ऊट पटांग हरकतें करता है। माँ ने कोई तरबियत नहीं की इसलिए बिगड़ गया है। आप कौन है सलार की? मैं? हाँ। उसके बाप की सेकंड वाइफ। मुझे कर्जा लौटाना है, बस यही वापस करने आई? जी। तो फिर चली जाओ, क्योंकि सालार कर्जा देकर किसी से भी वापस नहीं। हाँ
आप ही अमानत उसको वापस कर दीजिएगा। रोको, सालार को कब से जानती हो? 2 दिन पहले मिली थी। दोस्त हो उसकी? नहीं। फिर आती जाती सांसों को आपने देखा है कभी? मतलब? मतलब ये कि सांसों का किसी भी इंसान की जिंदगी से बहुत गहरा ताल्लुक होता है। हम उसे महसूस तो कर सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते। बस ऐसा ही कुछ अनदेखा सा ताल्लुक है मेरा सलार के साथ। महसूस करूं तो जिंदगी और देखना चाहूं तो सिर्फ खला। ऐसे जैसे कोई उसका वजूद ही नहीं। मैं कुछ समझी नहीं। फरीद, नाश्ता ले आओ। सारा कहाँ? वो तो रात से घर नहीं आई। क्या मतलब वो रात से घर नहीं आई? वो रात से घर नहीं आई और आपको कोई परवाह नहीं? अगर सारा आपकी सभी बेटी होती तो परवाह होती आपको? हाँ शायद। एनीवेज, तो लड़की आई थी, वो पैसे दे गई तुम्हारे, कह रही थी तुम्हारा कोई कर्ज लौटाना है। दिखने में कैसी? बहुत खूबसूरत, बल्कि बहुत ही खूबसूरत, लेकिन हुलिये से किसी गरीब घर की लग रही थी। अच्छा, थोड़े से पैसे लुटाने के लिए आ गई हो? क्या कहा उसने मेरे बारे में? मतलब क्या बता रही? यही कि तुमने उसके साथ बहुत बुरा किया। तुम बहुत ही घटिया इंसान हो, लड़कियों की इज्जत के साथ खेलते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। और भी बहुत कुछ कह रही थी और बहुत बददुआएं दे रही थी। ऐसा कुछ नहीं किया मैं। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी किसी लड़की की इज्जत से नहीं खेला। इसे जो कुछ कहा है वो गलत है, झूठ बोल रहे हैं। बड़ा है पारसा। क्या कहा? कुछ नहीं, पी ली थी मैंने थोड़ी ज्यादा, न्यू ईयर की पार्टी थी तो वापसी पे घर आ रहा था तो भात साथी तौर पे निकाह हो गया मेरा साथी से। What? मैं नहीं मानता हूं ऐसे किसी निकाह, नहीं मानता। ना मैं उसे जानता हूं ना वो मुझे जानता है। पर देखिए, मैंने कुछ गलत नहीं किया है और मैं किसी भी बददुआ से डरता भी नहीं हूं, समझिए आप। हाँ, तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा किसी की बददुआ से? अपनी बहन की कोई खबर ले लो, पता नहीं किस बदमाश लड़की के साथ घूम रही है आजकल। आपका मतलूबा नंबर फिलहाल बंद है। The number you dial is switched off. गुलाम फरीद, नाश्ता ला
तुम एक हूर हो, आंखें हो जैसी, बाल हो जैसे, बहुत ज्यादा खूबसूरत हो। ऐसा ना कहें, हमारे यहाँ शोर को मचाने से होता क्या? तेरे लिए मैं छोड़ दूँ दुनिया, तू जो कहे ऐसा ना। थी तुम? हमजा के साथ थी। देखो सारा, मैंने उस लड़के के बारे में पता किया है, उसकी रिप्यूट अच्छी नहीं है। उसकी रिप्यूट से मुझे क्या लेना देना? मैं उसे मोहब्बत करती हूँ, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। कहो रिश्ता कैसे? शादी क्यों नहीं कर लेते मुझसे? कैसी लड़की हो यार, मैं रोमांस के मूड में हूं और तुम शादी बीच में ले आए। तुम्हारी बारात वापस चली गई और वो लड़का जिससे तुम्हारा निकाह हुआ था उसने भी ठोकर मार दी, बहुत बुरा हुआ। तुम्हारे अब्बा ने असफंग यार ठेकेदार से 2,00,000 रुपया कर्ज लिया। मतलब तुम घबराओ नहीं, मैं माफ करवा दूंगा, मैं हूं ना। सुनो आया रानी, एक नजरे गरम अगर इधर हो जाए तो दिलदार की जवानी फिर से लौट आएगी। सुनता हूं मैं कि तूने लाखों को रंग के छोड़ा, मुझको भी हो इनायत, दुनिया में रंग है थोड़ा। शेर बहुत अच्छा है लेकिन तेरा वक्त बहुत बुरा। मोहल्ले में हर औरत का भाई, हर बच्ची का मामू, दिन में भैया और रात में सैया बनके पता नहीं कितनी औरतों का दाग दार किया होगा तेरे चाचा दिलदार। और शौक था तुझे रंगवाने का, अब जा जाके अपनी इस गाल की लाली सबको दिखा, दफा हो जा यहां से, कहीं और जाके अपना मुंह काला कर जा। तूने दिलदार की दिलदारी देखी है, दारी नहीं दिलदार हिसाब किताब में बहुत माहिर है। इस थप्पड़ का हिसाब तो तुम्हारा मरा हुआ बाप भी देगा।
का मिलाया हुआ। प्यार में ये सब कुछ तो होता ही है, और तुम भी तो मुझसे प्यार करती हो। हाँ करती हूँ मोहब्बत। सच्ची मोहब्बत सिर्फ किताबों में मिलती है मेरी जान। जवाब क्यों नहीं दे रही हो तुम? सारा क्या बात है, क्यों शोर मचा रहे हो यहाँ पे? दरवाजा नहीं खोल रही ना, जवाब दे रही है। सारा सारा मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। सारा 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 ये क्या कर रही हो तुम? सारा क्या हुआ था? क्या हुआ? क्यों कर रही हो? तुम्हें तुम्हें पता है ना कि कितना प्यार करता हूं मैं तुमसे। तुम तो मेरी परी हो ना, छोटी सी गुड़िया हो तुम मेरी। आपकी गुड़िया टूट चुकी है भाई, आपकी गुड़िया टूट चुकी है। क्या हुआ, किसी ने कुछ कहा तुम्हें? बताओ। मैं अच्छी लड़की नहीं हूं भाई, मैं अच्छी लड़की नहीं। दूर है मुझसे आप, मुझे अपने आप से घृणा आ रही है, मुझे अपने वजूद से घृणा आ रही है भाई। हुआ क्या है बताओ, मुझे दिल बैठ रहा है मेरा। भाई मैं अच्छी लड़की नहीं, मुझे मर जाने थे, मुझे ऐसी लड़कियों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। हुआ क्या है? मैं मर जाना चाहिए। हुआ क्या है? मुझसे गलती हो गई भाई। क्या? आप मुझे कहते थे ना, मुझे समझाते थे कि लड़कों से बात नहीं करनी, दूर रहना है। हुआ क्या है? मैंने आपकी नहीं सुनी, मैं आपकी मोहब्बत में अंधी हो गई, जिसको मोहब्बत समझ रही थी वो मोहब्बत नहीं थी, वो धोखा था,
था वो, उसने मुझे धोखा दिया। आपने तो किसी के साथ कुछ नहीं किया। क्या मर्द ऐसे होते हैं भाई, बताएं? कोई ऐसे अपना बनाकर इतनी आसानी से छोड़ कैसे सकता है? ऐसा क्यों हुआ भाई, ये सब क्यों हुआ? अरे भाई मुझे जवाब दे। तमाशा बनाने वाले मदारी सिर्फ मर्द नहीं होते, इस खेल में लड़कियां भी बराबर की शरीक होती हैं। तुम खिलौना बनी तो वो खेला, तुम अगर पत्थर बन जाती तो वो अपना सर फोड़ता और वापस चला जाता। तुम्हारा भाई भी इसी मुआशरे का एक आम सा मर्द है। लोग तो मोहब्बत करके मुकर जाते हैं, वो तो निकाह को ही अहमियत नहीं दे रहा। तो जब किसी की बेटी के साथ करोगे तो अपने आगे तो आएगा। पानी। भाई आपने तो किसी के साथ नहीं किया, इसका बाप मर गया। इस लड़की को दे दे। उससे तुम्हारा निकाह हुआ है। क्या मर्द ऐसे होते हैं भाई, बताएं? कोई ऐसे अपना बनाकर इतनी आसानी से छोड़ कैसे सकता है? वापसी पे घर आ रहा था तो भाग साथी तौर पे निकाह हो गया। मैं नहीं मानता हूँ ऐसे की निकाह, नहीं मानता। ऐसा क्यों हुआ भाई? भाई मुझे जवाब दे। तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा किसी की बदवा से? मैं नहीं मानता हूँ ऐसे निकाह। मुझे जवाब दे। उससे तुम्हारा निकाह हुआ है। या शाहे उमा, एक नजर करो, मेरी लाज तुम्हारे सरकार, मेरी नैया लगा दो अपने करम से। टूटी हुई आँसू में दुख से भरा दिल है मेरा। अल्लाह, सूरत की तरह आवाज भी खूबसूरत है। कौन है तू? मैं गरीब लड़की हूं मगर इज्जतदार। आपको अल्लाह का वास्ता, मेरी इज्जत बचा लीजिए। मैं नहीं जानती लोग मुझे यहां क्यों उठा लाए। दो ही वजह हो सकती है, या तो तूने किसी मर्द की गैरत को ललकारा होगा, या फिर उस मर्द की मर्दानगी पर थूक दिया होगा। कुछ ऐसे किया ना तूने? ना रो मेरी बच्ची। मेरा कोई नहीं है, ना बाप ना भाई ना ना ही उठ मेरी बच्ची, तू शादीशुदा है? क्या नाम है उसका? सलार नाम है मेरे शौहर का। शादी की
शादी की सुबह ही मुझे प्यास रखकर चला गया। साहिबान बनने के लिए आया था मगर उसने तो मेरे पैरों तक की जमीन छीन ली। ऐसे नामहाद शरीफों से तो बाजारे हुस्न की तवायफ ही अच्छी। ये औरतें अपनी इज्जत का सौदा भी करती हैं तो बड़ी ईमानदारी के साथ करती हैं, और ये इज्जतदार मर्द बेईमानी भी ईमानदारी के साथ नहीं करते। मेरी मदद करें, मुझे खुद बताएं मैं कहां जाऊं, किससे पना मांगूं, मैं मेरी इज्जत बचा लीजिए, मेरा कोई नहीं है, मुझे आपसे बहुत उम्मीद है, आपको अल्लाह का वास्ता है, मुझे यहां से निकाल लें। वैसे मैंने सारी जिंदगी गुनाहों में गुजारी है मगर तेरे चेहरे की ये मासूमियत देखकर तो मेरा दिल करता है कि मैं एक नेकी कर ही लूं। एक ऐसी सजा दी है मुझे मेरे रब, मुझे माफ कर दे, मेरी मदद कर, मुझे माफ कर दे। हेलो तैमूर, कहाँ हो तुम? हमजा का पता करो कहाँ है वो। हाँ असफंग यार का छोटा भाई, पता करो उसका जल्दी। बाय। तुम और यहाँ? जी मैं सालार, आपने पहचाना मुझे? हाँ। वो उस रात मैं आया था और मैं जरा ठीक नहीं था, मेरा निकाह हुआ था हया से, अगर आपको याद हो। याद है मुझे, बहुत अच्छी तरह याद है। मेरे हाथ पर पैसे रखकर चले गए थे तुम। हया कहाँ है? मैं तो खुद दो तीन बार सुबह से आ चुकी हूँ मगर यहाँ तो कोई भी नहीं है। हम तो समझे थे कि वो तुम्हारे पास गई है। क्या मतलब? क्या वो तुम्हारे पास नहीं गई? नहीं। वो कहाँ जा सकती है? हेलो, हाँ तुम लोग पहुंचो वहां, मैं आता हूँ। ओके ओके। स्लीप हियर, प्लीज मेरा कार्ड रख लीजिए। अगर हया से कोई रابطہ हो तो उसे कहिए कि प्लीज मुझे फोन करें। ठीक है, शुक्रिया। मैंने एक शेर अर्ज करना है, अर्ज किया है। गुजरी सियाह कारी में या रब तमाम सरकार, मामूली सा कर्ज देकर इतनी बड़ी दौलत क्यों सरकार है? सरकार मैंने तो अपना हिसाब बराबर कर दिया, अब आप अपनी कीमत वसूल। अरे तू हिसाब किताब का बड़ा ही पक्का है दिलदारा। हाँ सरकार, हाँ। अब आएगा ऊंट पहाड़ के नीचे, अब मजा आएगा। इस गौहर को नायाब हम बनाएंगे।
नमस्कार। आपने इसकी आवाज नहीं सुनी, आवाज क्या है? कोयल की कूक है, जरा सुनिए तो। सालार, मेरा नाम अस्फंदियार है। तुम्हारे बाप ने कर्ज लिया था मुझसे, अब वो तो रहा नहीं, तो तू कर्ज उतारेगी उसका। सुना है बड़ी अनाह वाली है तू, अब वक्त आ गया है अपना एहसान उतार। बहुत खूबसूरत हो तुम, ये शराब का नशा है या तुम्हारी मासूमियत का? मेरी आंखें तुम्हें देख नहीं पा रही। बचपन में बहुत सारी तितलियां पकड़ता था मैं, कभी यहां कभी वहां उड़ती रहती थी। अगर मैं पकड़ी ले, हाथ छोड़ देना, हाथ छोड़ो, और उन तितलियों को मसल कर अधमुआ छोड़ देता था। खानम, खानम वो कमरे में। सारी बातों को छोड़ दे, तू जल्दी कर, यहां से निकलने की कर। वो भी आया था। कौन? मेरा शौहर, जिससे मेरा निकाह हुआ था, वो यहाँ आया था। तुझे यकीन है कि वही आया था? हाँ, मैंने खुद उसे अपनी आंखों से देखा था। चलिए तो अच्छा हो गया, वो तुझे जरूर लेने आया होगा। अगर सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते मेरी जान। अब तू यहाँ से निकलने वाली कर, जल्दी कर प्लीज। हाँ। तो मुझे भी याद बहुत आएगी। मुझे भी खाना। जा, अल्लाह की सुपुर्द।
तुम यहाँ इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो तुम? मैं सालार, मैं सारा तुमने मुझे? हाँ, एक शौहर जो अपनी बीवी को छोड़ गया था। तुम ठीक हो? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? सब ठीक है ना? इतनी फिक्र थी मेरी तो मुझे छोड़कर क्यों गए? चलो मेरे साथ गाड़ी में बैठो। चलो, मुझे आपके साथ कहीं नहीं जाना। भैया मुझे देर हो रही है, चलो मेरे साथ गाड़ी में बैठो, कह रहा हूँ मैं। मैंने कहा ना मुझे नहीं जाना। तुम्हारी मां के मरने की वजह मैं नहीं थी। देखो, अगर मोहब्बत सच्ची हो तो किसी तीसरे की गुंजाइश बनती ही नहीं है। अगर तुम्हारी मां की मोहब्बत में कहीं ना कहीं शायद कोई कमी थी जो तुम्हारे बाप ने मुझसे शादी की। तुम्हारी मां को तोड़ा बेवफाई की जर्ब से और मुझसे दूसरी शादी की, मगर छुपाया नहीं। ठीक इसी तरह सालार ने निकाह किया है, मगर छुपाया नहीं। निकाह? भाई ने निकाह कर लिया? मुझे बताया क्यों नहीं? हया फातिमा नाम है, गरीब है मगर बहुत खुददार लड़की है। आप मिल भी चुकी हैं? यानी मैं अपनी पुरफरेद दुनिया में इतनी गुम थी कि मुझे खबर तक नहीं हुई कि भाई ने शादी कर ली। भाई ने बहन होने का हक तक छीन लिया मुझसे। मैं उस हमजा की झूठी मोहब्बत में इतनी अंधी हो गई कि भाई की सच्ची मोहब्बत का रिश्ता खो बैठी। बंदूक हटा लो इससे। तुमने मेरी बहन की जिंदगी तो तबाह की है, लेकिन मैं ये बात अच्छी तरह से जानता हूं कि रिश्ते कभी बंदूक की नोक पर नहीं बनते। सारा की जिंदगी बर्बाद की है तुमने। दिल तो चाहता है कि जान ले लूं मैं तुम्हारी। पता है तुम्हें किस हाल में है वो? मर रही है वो जिसे झूठे प्यार का झांसा दिया है तुमने। मैं गलत नहीं हूं। तुम गलत हो या सही हो, ये बात तुमसे ज्यादा बेहतर और कोई नहीं जानता है। लेकिन एक बात तुम्हें बता दूं, कान खोल के सुन लो, अगर तुम जिंदा बच गए हो तो इसकी वजह सिर्फ ये है कि सारा बेबना मोहब्बत करती है तुमसे, बिल्कुल उस आम लड़की की तरह जो किसी के नाम पे जीती मरती है, समझे तुम? वरना मेरा दिल चाह रहा है कि अभी जान ले लूं मैं तुम्हारी। मुझे माफ कर दो सालार। मुझसे माफी किस चीज की मांग रहे हो तुम? मुझसे माफी क्यों मांग रहे? माफी मांगनी है तो उससे मांगो जिसके मुजरिम हो तुम, जिसका दिल तोड़ा है तुमने। तुमने एक लड़की की ईगो को हर्ट किया है, अगर तुम उससे माफी मांगोगे तो उसकी ईगो बरकरार रहेगी। यार मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि मैं और तुम एक ही राह के भटके हुए मुसाफिर हैं, कोई ज्यादा फर्क नहीं है तुम उसमें, लेकिन एक फर्क है, मैंने कभी किसी के साथ झूठ नहीं बोला जैसे तुम खेलते हो किसी के जज्बात के साथ, किसी के एहसास के साथ। ये सब कुछ खेल तमाशा है ना तुम्हारे लिए, मजा आता है ना तुम्हें, लेकिन ये सब करते हुए भूल गए हो तुम। ये खेल तमाशों में कभी कभी किसी की आह लग जाती है, बद्दुआ लग जाती है। मुझे माफ कर दो सालार। मुझसे माफी मत मांगो, जिसके मुजरिम हो उससे माफी मांगो। चलो
बिल्कुल फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाए। कैसे ठीक हो सकता है? भाई ने निकाह कर लिया, वो लड़की कहां से आई, कौन है? ये वो लड़की जिसे निकाह किया है मैंने। खुशकिस्मत हो तुम जो इज्जत वाले रिश्ते में बंध गई हो। इसे जानती हो तुम? हाँ पहचानती हूं, ये वो मर्द है जो अपने मर्दानगी की जोंग में कुछ भी कर सकता है। जब आपको अपना हक नहीं मिलता ना तो उसे छीनना पड़ता है सारा। अपनी पूरी जिंदगी में मैंने यही सीखा है, प्लीज तुम भी सीख लो। मुझे माफ कर दो सारा। सारा मैं जो कर सकता था मैंने कर दिया तुम्हारे लिए, यही है ना तुम्हारी मोहब्बत, इसे तुम्हारे सामने लाकर खड़ा कर दिया मैंने। अब तुम चाहो तो इसे ठुकरा दो, चाहो तो अपना लो, ये सब तुम पे है। मोहब्बत खैरात की तरह नहीं एहसास की तरह मिलनी चाहिए। दिलों के रिश्ते जबरदस्ती नहीं जोड़े जाते। मुझे माफ कर दो सारा, मैं वाकई एक बुरा इंसान हूं। पता नहीं कितनी लड़कियों के साथ मैंने फ्लर्ट किया है, कितनी बार मैं तुमसे झूठ बोलता रहा, लेकिन एक बात सच है कि अब तक जितनी भी लड़कियों के साथ मैंने फ्लर्ट किया है वो सब के सब मेरी तरह झूठी और फरेबी थी। कभी मेरे लिए या मेरी मोहब्बत में मरने की कोशिश नहीं की, मैं बस उनसे खेलता रहा और वो मुझसे। मैं शायद कभी तुमसे शादी नहीं करता, मगर जब गाड़ी में सालार और हया की बातें सुनी तो मुझे अंदाजा हुआ कि इज्जत एक बड़ा ही शफाक मामला है। इसमें अल्लाह अपने ही घर की बहू बेटियों को फरेब खिलाकर एहसास दिलाता है। मैं शायद तुम जैसी अच्छी लड़की डिजर्व नहीं करता, लेकिन एक बार सारा, एक बार मुझे माफ कर दो और मेरा हाथ थाम, शायद शायद मैं सुधर जाऊं, भटकने से बच जाऊं। मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूं, तुम्हें अपनाना चाहता हूं, इज्जत के साथ और सबके सामने। असवंत और उसके साथियों को पुलिस ने पकड़ लिया। ऐसा तो होना ही था, बुराई का अंजाम कभी भी अच्छा नहीं होता। सही, वो तुम दोनों बहन भाइयों का निकाह तो हो चुका है, पर शादी मैं शादी के तरीके से करना चाहती हूँ। कुछ अरेंजमेंट्स किए हैं तुम्हें बताए बगैर। अरे इसमें पूछने की जरूरत क्या है, आपको जो सही लगा आपने किया और करना चाहिए आपको। हाँ वो ये प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स है, मैंने ये घर और बाबा की आधी जायदाद आपके नाम कर दी है। बाबा अपनी जिंदगी में आपको आपका हक नहीं दे सके, मुझे ऐसा लगता है कि घर औरत का बुनियादी हक होता है। ये घर मैंने आपके नाम लगवा दिया है। सालार, I cannot believe this. मुझे तो इसकी जरूरत ही नहीं है और कभी भी नहीं थी। मैं सिर्फ ये चाहती थी कि
तुम्हारे बाबा ने जो रिश्ता मेरे साथ कायम किया है, तुम लोग उसको सच्चे दिल से एक्सेप्ट कर लो। मैं सगी ना सही, लेकिन हूं तो तुम लोगों की माँ। मेरे नजदीक जिंदगी गुजारने के लिए पैसे से ज्यादा अहम मोहब्बत है, रिश्ते हैं, और मुझे हया की सूरत में हसीन तरीन रिश्ता और मोहब्बत मिल गई है। सच कहूं तो मुझे ऐसा लगता है कि इस दुनिया का सबसे अमीर तरीन इंसान हूं मैं। मुझे बाबा की इस जायदाद में कभी भी कोई इंटरेस्ट नहीं था, उन्हें है। हाँ, एक और बात, जाने अनजाने में आज तक अगर मैंने कभी आपसे कोई बदतमीजी की तो मैं माफी चाहता हूं आपसे, बाबा की दूसरी बीवी होने के नाते से। एक बार मां बोल सकता हूं आपको, श्योर क्यों नहीं, I'm sorry too. Thank you. उस दिन जो मैं होश में नहीं था, अच्छा हुआ। क्या मतलब? मतलब अगर मैं होश में होता तो मेरे नसीब में तुम जैसी खूबसूरत और हसीन लड़की कहां से होती? नेकी का सिला अच्छा ही मिलता है। नहीं, जहां तक मुझे याद पड़ता है, मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी कोई इतनी बड़ी नेकी नहीं की है जिसके बदले में मुझे तुम जैसा तोहफा मिले। मैं तुम्हें बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करता था। सच तो यह है कि मुझे कोई मेरे जैसी लड़की मिलती बिगड़ी हुई बाइक की सूरत में। कभी कभार छोटी सी नेकी का बहुत बड़ा सिला मिलता है। मेरे लिए तो आप दोनों बार ही रहमत का फरिश्ता बनकर आए। पहले मुझे उस लालची इंसान से बचाया और फिर असफंदियार के जाल से। दोनों ही बार अल्लाह ने आपको मेरी मदद का जरिया बनाया है। हाँ, शायद मेरा और तुम्हारा मिलना इसी तरह से लिखा था। जी। अच्छा, एक बात तो बता, वो क्या कहते हैं वो, हाँ, मुंह दिखाई, क्या लोगी मुंह दिखाई में? 15,000। 15,000 का क्या करोगी? 200 रुपए सब्जी वाले को देने। और किस किस का हिसाब रहता? और हाँ, 1200 रुपए बिजली वाले के भी है। चलो, तुम्हें सारे हिसाब अंदर जाके देता। एक मिनट। एक हिसाब और रहता है। हुक्म कीजिए, कौन सा हिसाब? मैंने अल्लाह ताला से दुआ मांगी थी, जिस रोज आप मुझे मिल जाएंगे हम शुक्राने का सजदा अदा करेंगे।